नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे 24 घंटे का निचोड़ न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। यह चैनल आपका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 15 दिन की लॉकडाउन जो राज्य सरकार की अपील की गई, इस पर केंद्र सरकार ने कई शर्तें रखी है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद होगा और क्या क्या चालू किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 14 तारीख का जो लॉकडाउन का पीरियड था, इस पर कई राज्य सरकार ने अपील किया कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। सरकार के सामने समस्या यह है कि कोरोना संक्रमण को रोकना है, देशवासियों को बचाना है, परंतु देश की अर्थव्यवस्था भी बचानी है। ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बाद में लोग भूख से पहले मर जाए। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि सबसे पहले दिहाड़ी मजदूर और उसकी जो कुव्यवस्था है, जो भूखे मर रहे हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। और इसके लिए रेलवे को भी गाइडलाइंस दी गई है कि उनको कैसे कैसे गाड़ी चलानी है। सोमवार से सारे मंत्रालय को आदेश दे दिया गया कि मंत्री एवं उनके स्टाफ अपने अपने मंत्रालय में काम करना शुरू कर दें। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखी जा सकती है। बहुत सारे मजदूर जो बंद कर दिए गए हैं घरों में, अगर उनको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत काम पर लगाया जाए तो कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। 14 तारीख के बाद जो 15 दिन का लॉकडाउन होगा, उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियों को खोला जाएगा। फैक्ट्री मालिकों को आदेश दिया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर आप काम कर सकते हैं। कोई अगर घरों में काम कर रहे हैं जहां पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, वहां पर ये अलाउ किया जा सकता है। रेलवे को ये आदेश दिया जाएगा कि आपके स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा ना हो जाए। अगर आप रेलगाड़ी शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मजदूरों की बहुत बड़ी जमात भीड़ बनाकर इकट्ठा हो जाए और ये जितना भी लॉकडाउन का पीरियड रहा सब फेल हो जाए, सब बेकार बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो लोग ज़रूरतमंद हैं, फंसे हुए हैं और अकेले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, उनको क्यों रोका जाना चाहिए, उनको उनके घर तक पहुँचा देना चाहिए। अब रही बात ये कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करेगी कि पंजाब में जो मजदूर हैं, कर्नाटका में जो मजदूर हैं, गुजरात में जो मजदूर हैं, वह घर जाना चाहते हैं, केंद्र सरकार उनका भी सुन रही है और राज्य सरकार यह साबित करे कि वह उनको काम दे रहे हैं, भरपेट भोजन दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दे रहे हैं तो सुरक्षित उनको ट्रेन में बिठाकर और उनको उनके घर भेज दिया जाए। आपको मैं बताऊं, आपने कई दावे सुने होंगे बिहार सरकार के कि हमने हजार हजार रुपये बैंक अकाउंट में डाले हैं। शायद यह पता नहीं होगा बहुत सारे मजदूर भाइयों को, तो मैं बता देता हूं, बिहार के अधिकतर जो दिहाड़ी मजदूर तबका है उसका बैंक अकाउंट बिहार ग्रामीण बैंक में है और बिहार ग्रामीण बैंक का ब्रांच पूरी देश में हर जगह नहीं है। वह हजार रुपये किस काम के जो लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए हैं, कर्नाटका में फंसे हुए हैं, बेंगलोर वगैरह में, तो वो पैसे उनके काम नहीं आएंगे। इस तरह से जो जहां फंसा हुआ है, उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि या तो काम दे, भरपेट भोजन दे, व्यवस्था ठीक कर दे और सोशल डिस्टेंसिंग बना दे, तो वहाँ पर काम शुरू कर सकती है। अन्यथा लॉकडाउन से देश का बुरा हाल हो सकता है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर सकती है। सरकार के सामने कई प्रश्न आए, आप अर्थव्यवस्था कैसे संभालोगे, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर में जा रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था खराब होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो सरकार ने जवाब दिया,
कि हम अवैध संपत्ति, भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं, जो लोगों के पास अवैध पैसे हैं, वो सरकार को शो कर सकती है और 50% टैक्स भर के 50% को व्हाइट कर सकती है। कहने का मतलब, किसी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो सामने रख दे, सरकार उसे 50% काट कर 50% व्हाइट कर देगी। इस तरह का स्कीम चलाया जाएगा। जो दुश्मन प्रॉपर्टी है, यानी शत्रु प्रॉपर्टी, उसको भी नीलाम किया जाएगा। जगह जगह से अवैध संपत्ति को कब्जे में लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की थोड़ी सी वेतन कट की जाएगी और मजदूरों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारी योजनाएँ रखी गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में रोज ये मंथन कर रहे हैं कि 14 तारीख के बाद, यानी 15 तारीख से जो लॉकडाउन होगा वह पूर्णतः लॉकडाउन होगा अथवा आंशिक होगा। रही बात ये, जो जो हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए गए हैं, जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं, उनको पूर्णतः लॉकडाउन किया जाएगा, पूरी तरह से सील किया जाएगा। और जहां जहां यह संभावना नहीं है, जहां ऐसे मरीज नहीं है, उनको बंद कर कर रखने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर लोग अकेले करते हैं, जैसे कि खेतों में फसल की कटाई, उसको जो है अनुमति दी जाएगी, भट्ठा मजदूरों की अनुमति दी जाएगी, जो अकेले अकेले काम करते हैं उनको पूरी तरह से लॉकडाउन खोला जाएगा, काम पे लग जाएंगे। अब राज्य सरकार या रिपोर्ट दे केंद्र सरकार को कि उन्होंने क्या क्या काम शुरू करवाने की अनुमति दी है, और उसके हिसाब से केंद्र सरकार इसको अनाउंस कर देगी। अब रही बात ये, देश कहीं न कहीं बदहाली की ओर जा रहा है, और इसमें जो प्रभावित हुआ है वो बहुजन समाज, वह समाज जिसका कोई समाज ही नहीं है, जो गरीब मजदूर हैं, ना वो सवर्ण में आते हैं ना बहुजन में आते हैं, वो तो बस एक ही ऐसा समाज है जो मजदूर कह सकते हो, जिसको रोज काम चाहिए, रोज उनको रोटी की व्यवस्था चाहिए। और इस तरह के लोगों पर सरकार ने ध्यान दिया, और ये सारी योजना जब विपक्ष के सामने रखा तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी, बसपा अध्यक्ष बहन मायावती जी भी, सबने समर्थन कर दिया केंद्र सरकार को कि आप मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को आप बचा लीजिए, सामान्य वर्ग को बचा लीजिए, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। और इस तरह से केंद्र सरकार अपना हर कदम एक एक करके सोच सोच के बढ़ा रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।